एक टीम के साथ इंडी गेम को डेवलप करना काफ़ी मुश्किल होता है, अगर हम ये भी मद्देनज़र रखें कि रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड होती हैं और फाइनेंसिस भी काफ़ी टाइट होते हैं। ऐसे केसेस में आप या कोई भी लोकल इंडी ऐसी टीम को बनाना अफोर्ड ही नहीं कर सकता जिनमें इंडिविजुअल्स को आपके गेम आइडिया में इतनी दिलचस्पी ना हो या फिर वो आपके साथ कंपेटेबल ना हो। पर्सनली मैं ये समझता हूँ कि पोर्टफोलियो या इंटरव्यू एक बंदे को जानने के लिए काफ़ी नहीं होता। मेरा इस चीज़ में तजुर्बा बीएससी गेम्स के इनिशिएटिव से आया है। बेसिकली ये एक इंडी गेम स्टूडियो मैंने पिछले साल सेटअप किया था और इसमें जो टीम थी वो बहुत पैशनेट थी, उनका उनके पोर्टफोलियोज़ भी अच्छे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनमें वो डेडिकेशन ही पाई गई और ना उनको मेरे उस गेम जेनरा में जिसमें हम गेम बना रहे थे उसमें इतनी दिलचस्पी भी नहीं थी। और कैसे मैं बताऊँ, लाइक दे वर नॉट डूइंग थिंग्स इन एन इंडी सेंस, राइट। हालांकि उनको सैलरी के साथ साथ रेफ शेयर भी शामिल किया हुआ था। ऑब्वियसली इस पूरे प्रोसेस में मेरी भी बहुत ज़्यादा गलतियाँ थी, बहरहाल ये मेरा एक पेन पॉइंट है जिसका हल साथ गेम डेव में है। साथ गेम डेव एक ऐसा सेट प्लेटफॉर्म है जहाँ टीम्स बनती हैं और वो एक साथ लंबे अरसे तक गेम्स बनाती हैं। जो कि जो गेम डिवेलप होती है वो नॉन कमर्शियल होती है और जो टीम्स बनती हैं वो वॉलंटियर बेसिस पे बनती हैं, तो लिहाजा इसमें किसी भी किस्म का कोई प्रेशर इन्वॉल्व नहीं होता। साथ गेम डेव में ये चीज़ मैटर ही नहीं करती कि आप कितना ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करते हो, मैटर सिर्फ ये करता है कि आप मुसलसल मुस्तकिल मिजाजी के साथ छोटी छोटी कॉन्ट्रीब्यूशंस करते हो या नहीं। इस प्रोसेस की खूबसूरत बात यह है कि इससे अच्छी फ्रेंडशिप बन जाती है और नेचुरली टीम्स बनना शुरू हो जाती हैं और आप इस प्रोसेस के ज़रिए अगले बंदे को जांच भी सकते हो कि वो आपके साथ कंपेटेबल है कि नहीं, क्या वो आपके साथ लॉन्ग टर्म बेसिस पे काम कर सकता है, क्या आप उसके साथ टीम बनाकर अपनी इंडी गेम बना सकते हो कि नहीं। साथ गेम डेव इंडीज़ के लिए एक ऐसी दिलचस्प अपॉर्चुनिटी लेकर आता है कि ना सिर्फ वो खुद वहाँ अपनी स्किल्स को ही बेहतर करें बल्कि साथ ही साथ नेचुरली कुदरती तौर पर वो अपनी टीम को भी बनते हुए वहाँ देखेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह।